सबके हाल चाल सब बढ़िया है, तो बढ़िया रहना और नहीं बने तो क्यों ना बने रहने का कोशिश करना। सो बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, तो इतना आलसी वाला दिन जा रहा है और इतना कम आलसी वाला मतलब सुबह कम रह रहा है, शाम को इतना थकान हो जाता है और थोड़े छोटे मोटे काम बाहर रहता ही है। तो उस वजह से कभी मतलब मैं मोबाइल से ब्लॉक करता हूँ बट कैमरा का मन ही नहीं करता है, इतना थकान हो जाता है, सोता है सो रहा होता हूँ और मोबाइल कॉल कर रहा होता हूँ। और थोड़े बहुत कॉलेज तो अभी खुल गया है, तो कॉलेज के थोड़ा बहुत प्रेशर भी नहीं है कॉलेज, तो आलसी वाला दिन जाता है और यही है कुछ सब किता। और आज जो है आज है दिसंबर का दो तारीख, तो लगभग 2021 ख़त्म ही होने जा रहा है, तो ये आखिरी मंथ चल रहा है, तो क्या करा जाए। तो आज है गुरुवार, तो गुरुवार में आज हुआ है खिचड़ी, दाल खिचड़ी हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब उसके साथ छोटा वाला जो साबूदाने का जो पापड़ होता है तो वो हुआ था, तो दोपहर में लंच खाया था, वो बहुत ही मस्त था। और बाकी अभी थोड़ा सा देखा कि बड़े जो चना होता है, बड़े चना चना मसाला का जो बड़े चना होता है तो वो थोड़ा बड़ा है, तो चने मसाला ही बना लिया जाता है। थोड़ा सा आपको भी शेयर कर दूँगा कैसे क्या बनता है, हालांकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और मुझको बनाना भी नहीं आता है, बट ट्राई करने से किया जाता है, तो ट्राई करते हैं, बनाते हैं और आपको दिखाते हैं और हम लोग भी खाते हैं। और ये खाऊँगा दाल खिचड़ी के साथ, तो चलिए किचन में थोड़ा सा जाते हैं। तो ग्लास पहन लिया है, ग्लास के बिना थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखता है, तो लाइट बंद कर देता हूँ और चलते हैं नीचे। मैं बेसिकली ऊपर ही रहता हूँ तो शायद ये इधर नहीं देखा सकता हूँ कि कपड़े कच्चे वगैरह सब कुछ बिखरे हुए, तो आ गए हो किचन में, आज रिजल्ट आप देख सकते हो। तो एक मिनट, और पड़े है तकरीबन 200 ग्राम होगा, बड़े चना पड़े हो रहा है और यहाँ पर मौसम पता होगी, कोई बात नहीं बना लूँगा कुछ, तो चना मसाला को धोना लूँगा, देखते हैं कोई बात नहीं तो बना लूँगा। मिर्च का गुड़ा और थोड़ा बहुत जीरा गुड़ा और गरम मसाला का गुड़ा जो है उससे बना लूँगा थोड़ा सा, और बाकी बनाते हैं। और हाँ जो बात है, इसके बाद शायद कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, एटलीस्ट हफ्ते में तो एक आएगा ही आएगा, ये वादा नहीं कर सकता बट आई ट्राई माई बेस्ट, तो देखते चलते हैं। थोड़े बहुत जगह को धो लेते हैं, इसको बनाने के लिए मतलब 4-5 घंटे भिगो के रखना पड़ता है, 4-5 घंटे के लिए 5-10 घंटे भिगो के रखना पड़ता है। बट हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में सीटी के बाद सीटी मारेंगे और इसको पिघला देंगे, कोई बात नहीं अच्छे से धो लेते हैं, उसके बाद पानी एक बार फेंक देते हैं, उसके बाद फिर से पानी देते प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और थोड़ा सा हल्दी देके सीटी मारेंगे, तो 10-12 तो विजन मारेंगे, उसके बाद प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे बनता है और कलर बने तो वो भी दिखाऊंगा और खाना तो मेरे को ही पड़ेगा। अच्छे बने तो सब घर में जितने भी बंदे हैं सब खाएंगे, बट बुरा हुआ तो मतलब खराब हो गया तो मेरे को ही खाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं खा लेंगे।
प्रेशर कुकर से उतर कर मैं और थोड़ा सा सब्जी काट कर और मिक्सी से पीस कर इसमें डाला और देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है और देख ही सकते हो ज़बरदस्त बना है, कलर तो ब्यूटीफुल। और बाकी टेस्ट थोड़ा सा नमकीन हुआ है बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही हुआ है, नींबू निचोड़ देंगे तो चला जाएगा। तो प्लेट में परोस के उसके बाद दिखाता हूँ। तो अभी थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है बट फूंक मार के टेस्ट करके देखता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये स्मोक हो रहा है कैसे। मसाला बढ़िया बनिया बट जो छोले हैं उसको हम लोग तकरीबन 30 से 35 सिटी मरे, मतलब उसके बाद भी नहीं पिघल रहा। तो इसका जो रूल है वो है 3-4 घंटे के लिए पानी के भिगो के छोड़ दो, उसके बाद ही पकाओ। बट हमने तो ऐसे ही पका लिया, बट नरम है, बट उतने भी नरम है नहीं है, तो बड़े से ही बना है। होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और एक कमेंट कर देना जो भी अच्छा लगा, अच्छा बुरा, एक स्टिकर, एक छोटा सा हाय हेलो कहाँ से हो आप, आपका नाम, तो आपको लाइक भी मिलेगा और एक कमेंट भी छोड़ दीजिए, उस कमेंट में आपको हार्ट भी मिलेगा, ठीक है ना। और चैनल को आपके मन करे तो शेयर कर देना प्लीज़, शेयर कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब ज़रूर करना और पास में जो बेल आइकन है ज़रूर दबा देना, ठीक है। मिलते हैं और एक नई जल्दी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, टाटा।